चंडीगढ़ और दिल्ली, और ये चीज सबसे मेरे से सर मैं हूँ भीगी बिल्ली, सब बोलते मेरे को। मैं हूँ हर किसी से कंपेयर होता हूँ दादा, शेयर होता हूँ, मगर मैं उस बंदे से नहीं होता हूँ जो बंदा स्टूपिड बात करे ना। बिल्कुल। तो भैया यहाँ से लोग नशा भी लेके जाते हैं दादा, लेके जाते हैं जगह ही पर्सनल लेके जाते हैं, तस्करी करती है भाई, तस्करी नहीं आ रहा है, जग बोला ना जगह यही है। नहीं नहीं, अब आप आए पर्सनल लेके, बट होते हैं तस्करी, कार्टेल लगता है चीजों का, तस्करी भी होती है पूरे इंडिया में, यहीं से जाता है, यहीं से जाता है जो ये प्लेस है ना। बट आस्क नो अंडरस्टैंड आस्क यू नो, जो ये प्लेस है यहाँ पे पूरा चीज इसी का होता है, यहाँ पे अनाज नहीं होता है, पैसा इसी से हैश होता है। तो खेती करनी होती है, अपने आप हो जाता है, खेती करनी पड़ती है। वो आप वहाँ जा सकते हो, नहीं जा सकते ना, क्योंकि आपको इस रास्ते में बहुत डिफरेंट हो रहा है, चलते हुए मूवमेंट खराब हो रहा है, तो आप उस साइड जा सकते हो, बैक साइड जो देख रहे हो पार्क साइड। अच्छा, वहाँ खेती करते हैं? नहीं भैया, इसके टेंडर छूटते हैं या फिर वैसे ही? ना वैसे ही करते हैं, मलाना कुछ नहीं है, पार्वती के बराबर मलाना नहीं है। क्या बात, मेरी बात को याद रखना, वो तो वर्ल्ड फेमस है ना, मगर जो हकीकत कहानी है, जहाँ भगवान देवी देवता है, वो ये जगह है। एक बात बताओ, जो आपकी हालत खराब हुई है चल चल के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चंबू भैया, उधर कोई ट्रैक है क्या? दादा यहाँ पे बहुत लंबा ट्रैक है, वहाँ आपके लिए फुल पावर पैसा लेके आना पड़ेगा, तब जाके ट्रैक करोगे पिन पार्वती, जहाँ से ये पार्वती वहाँ निकल रही है। अच्छा, 10 दिन का ट्रैक हो गए थे, मैंने उनको खाली खा दिया। आपको अगली बार जब आओगे ना, तो आप लोग फुल पावर आना, और वो बंदे आना जिनको जिगरा है। अरे भैया सारे जिगरे वाले ही हैं, आधे रास्ते में ऐसा नहीं कि दम तोड़ दोगे फिर बोलोगे हाँ कि ऐसा दम तो नहीं तोड़ा किसी। दादा ये बात वही मैं गाइड हूँ ना, मेरी बात को अंडरस्टैंडिंग बुरा नहीं मानना, तो मतलब बीमारी होती दादा, किसी को कुछ होता है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैंने आज तक आके चार आदमी लाए, उनको भी मैंने बहन यहाँ से सरपास कराया, स्टूपिड बात ना करो, चार आदमी सरपास, और वो भी अस्थमा वाले दादा, सरपास कराया उनको मैंने, क्यों उनके मैं दिल में जिगरा, बिल्कुल और हौसला डाल दिया, मेरी हिम्मत डाल दी अंदर। हाँ अच्छा, आप ये बताओ आप में से कोई हैश कौन पीता है? कोई भी नहीं पीता, कोई पीता है पुलिस वाला छोड़ो, मैं खुला पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कमांडो संभव, छोड़ के आया, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अच्छा भैया, अच्छा क्या क्या रह चुके हैं बताओ, फ्रांस, इटली, कमांडो, शंभू, क्या क्या हुआ दादा? बचपन से मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, किसी का चोरी गलत नहीं किया, किसी को जियो और जीने दो, ये मेरा टोक है, बाकी हमने किसी से गलती किया, कोई मर रहा हो उसको उठा के लाया भाई ने, बहुत सही, बहुत सही। मैं 2004 से गाइडिंग काम कर रहा हूँ, मैं कोई छोटा स्टूपिड नहीं हूँ, ऐसे लोग तो क्रेजी हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड नॉट, आज का डेट कैसा है दादा, आप पहले जैसा जमाना नहीं रहा, जब आप पहले जमाने जाते थे तो आपको दूध की जगह पानी की जगह दूध मिलता था, देते थे ना, आज डेट में कोई पानी नहीं पूछता है, संभव बोलो सब कुछ। तो ये आजकल कल्चर नेचर बदल गया है, अब लोग भी बहुत ज्यादा स्टूपिड हो गए, अब इनको बोलोगे अच्छा तो वो आगरा बोल के घाघरा सुन रहे हैं। क्या बोला ना भैया, अब मणिकरण की बात बता दो स्टोरी। मणिकरण की स्टोरी आप सुनाने वाले थे इसीलिए बैठे हैं, स्टूपिड तो नहीं है स्टोरी, स्टूपिड मणिकरण की स्टूपिड कहानी नहीं सुनेंगे, मणिकरण की वो अलग है ना, सुना वो था आप हमारे सिख चाहते सिख उनके ऊपर था, वो कोई टाइम जमाने में यहाँ पे आए थे, अच्छा तो आने को उन्होंने भी तपस्या किया था, क्योंकि भगवान का बुलाव था, बिल्कुल जब आप गर्भना होगे ना आप भोग लगाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज तो भगवान का बुलाव था, जब यहाँ देवी देवता पूरे नाच रहे थे तो उन्होंने पूरा भोग लगाया था, तब उस टाइम उनको बुलाया था, तो उन्होंने भोग खा लिया, उनको जगह भगवान ने जगह दे दी, चल भाई ले आज से तेरा रहा, अच्छा तब से वहां पे मणिकरण वो बढ़ा है, और उसके बाद जो वहाँ का जो पानी है वो क्लीन जैसा पवित्र नहीं है। अच्छा दादा नमस्कार, दादा क्या दादा बात ही नहीं कर रहे, बैठो। हाँ उतना भाई है का जी। उसके बाद क्या हुआ दादा, जब आदमी को वो होता ना, उनको तो वरदान दिया कि तुम भाई जो यहाँ के देवी देवता है ना वो बहुत एक्टिव दादा, आप जैसा बोलोगे वो ऐसे करते हो, वो इंसान से खतरा, ये हम दिख रहे हैं ना कि हम कोई नहीं है, देवी देवता पहाड़ के अंदर है, उनके पूरा परिवार इधर बैठा है, तब इसको खिरीगंगा बोलते हैं। मैंने हकीकत कहानी आपको सुनाई थी, तो कार्तिक भगवान दुखी होके यहाँ पे आए थे, उन्होंने 10 साल यहाँ 2500 की पूरा खिरीगंगा में, खिरीगंगा से ऊपर यहाँ गुफा भी उनका, और वहाँ दूर है थोड़ा, वहाँ बैठ गए थे उन्होंने 10 साल यहाँ पे किया,
तो उनके परिवार फिर आए ढूंढते हुए, माँ बाप होते उन्होंने आया उनके साथ, फिर हर कोई देवी देवता भूत पिशाच सब कुछ, भोले शंकर तो आपको पता है कैसे जी भोले शंकर है, और उनके साथ सब कुछ थे। तो बाद में तो 5 पांडव थे वो भी उनके साथ ही आए थे, उन्होंने भोग खाया था। जब आए तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि बच्चा लीन हो गया है, वो लगाया अपने उसमें पार्वती माता ने, फिर तब उन्होंने भोग बनाया। जैसे हम भंडारा करते थे कोई मकान कुछ करी खाली करेंगे तो हम कुछ बनाते हैं सब चीज जो सबको भोग लगता है, तो वो चीज बनाई खीर। वो खीर मिस्टेक हो गया, वो खीर उल्टे से गिर गया, वो अच्छा मिस्टेक हो गया गिर गया खीर। गिरने के बाद तो कई देवी देवता प्रसन्न वो हो गए, उन्होंने बोला माता अगर ऐसे ही हो गया यहाँ कलयुग में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी एक ऐसा हो रहा है। उस टाइम फिर परशुराम जी थे सबसे बड़े, जो भोले शंकर के सबसे बड़े वो है, तो उन्होंने इनको गर्म पानी बना दिया। तो अभी भी मलाई देखना ऊपर मंदिर में मिलेगी आपको, नहीं मलाई मिलेगी ऊपर जाएगी, जहाँ से माँ का सिरिवर हो रहा है पानी निकल रही है यहाँ से, कहाँ यहाँ से ऊपर, हाँ कुंड है, कुंड से ऊपर जो मंदिर है, मंदिर के बैक साइड ना। अच्छा ये नदी वहाँ से ही ओरिजिनेट होती है? नहीं 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 नहीं, वो तो ये तो उन्होंने अपने मलाई की कोई बात कर भाई, मलाई क्या वास तो गर्म हो के आता है पानी, दूध बनाते ना हम लोग दूध गर्म, वो वहाँ पे मलाई है अभी भी, हाँ अभी है, खा सकते हो और खा सकते हैं, वो पहले कोई चीज खा नहीं सकते थे, अब वो हो गया। जैसे किसी बंदे को शराब दे देते हैं तो शराब लग गया, तो वो चीज यहाँ पे हो गई खीर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसने चेंजिंग कर दिया, गर्म पानी बना दिया, तब इसका नाम पड़ेगा खीरी गंगा। फिर वो उल्टा आ गया था भैया, मान के था घर वालों के, हाँ जी कार्तिके, हाँ फिर लेके गए ना उनको भगवान भोले शंकर। उसके बाद तो 5 पांडव तो जो सबसे खतरनाक ट्रैकर वही थे, फिर वो उनके आगे भोग खा के उनके पास तो वो नहीं था, वो लुप्त हो गए, कहाँ पांडव, जहाँ से पार्वती माँ निकल रही है, पांडव हाँ 5 पांडव, ये पार्वती रिवर ही तो है, ट्रैकिंग करके आए थे वो भी, हाँ वो सबसे बड़े ट्रैकर हैं। उनके पास वो नहीं होता था क्या, वो ऐसे वो क्या रथ, वो शक्तिशाली है ना, अच्छा तो पहाड़ खोद के पहाड़ पे घुस जाएगा, आप तो ही घुस सकते हो, हाँ अच्छा ये बात है। वो सबसे माने जाने ट्रैकर हैं, तभी तो मनुष्य कीड़े मकोड़े सब कुत्ते को ट्रैक करते हैं, क्यों इनको पता है कि कुत्ते जब बहरे होते हैं खतरनाक, उन्होंने 5 पांडव को खत्म किया था यहाँ पे जब कुत्तों ने, हाँ वो जो काल थे ना वो रूप चेंज करके आए थे, भैया का नाम शंभू, उन्होंने सब यहाँ जब पार्वती माँ का भोग खाया फिर वो यहाँ से उनको आगे ले गए, आधे रास्ते में जब पार्वती माँ जहाँ से सिरोध होता है जैसे गंगा माँ है बस अब धो गया, तो वैसे जब सिरोध जहाँ पहुँच गए तो वहाँ उन्होंने असली रूप ले लिया। अच्छा उसके बाद वो सब गायब हो गए, ये चीज होती है। ठीक है सबको अभी मैंने उसका थोड़ा ज्वाइंट पॉइंट आपको डाल दिया कि सिख को भी उन्होंने बिठाया, क्योंकि जब देवी देवता चल रहे थे ना तो आप समझते हो कितने लोग जा रहे थे उसके आगे, भूत पिशाच राक्षस दानव सब चल रहे थे यहाँ पे ना। आपने जगतम ग्रासी अब तुम्हारे को सुनाता है कहानी, हाँ। और उसके बाद फिर चलना ठीक है, यहाँ पे आपने नाम सुना मलाना, वहां से जगतम ऋषि, अच्छा वो भगवान के एक अवतार थे, तो वहाँ पे पहले ऐसा होता था वहाँ पे एक राक्षस होता था बहुत दानव जिसने हाहाकार मचा दिया था, हाँ तो उसके दानव भूत पिशाच यहाँ पे आए थे, वो भी हमारे बाद में सुनाऊंगा। तो उसके बाद वो क्या करता था रात को, जैसे महीने में एक बार एक आदमी को कढ़ाई में तल दिया, तल के खा लेता था, हाँ तब मेरी बात को मजाक में सुना, तो उसके बाद ऐसा होता रहता तब जगतम ऋषि पैदा हुए, तो उन्होंने उनसे छल कपट किया जैसे विष्णु भगवान ने किया था, तो उसी उसी तरह तल दिया उसी में राक्षस को, राक्षस खत्म हो गया मगर उसकी भाषा खत्म नहीं हुई। अब मलाना आप जाओगे तो उनकी भाषा सुनना, उनकी भाषा सेम लोकल की, लोकल की नहीं भूतिया से भाषा है। अच्छा किसकी भाषा सुन, फिर वो भूत यहाँ ही भेजे थे। अच्छा तब यहाँ भगवान भोले शंकर के बड़े बेटे आए थे कार्तिक, जिन्होंने 10 साल यहाँ पे मैंने कल क्या सुनाया था, उन्होंने मारा था उनको। मेरी बात को समझना, मैं कोई छोटा मोटा गाइड नहीं हूँ, मैं 2004 से हूँ दादा, बचपन गुजरा मेरा इतना था। मगर हम बोलते जी और जिंदो, ऐसा कोई नहीं बोलते, जिसको पैसा होता है ना उसको घमंड ज्यादा होता है, हम जैसे गरीब हो ना बोलते चले गया ना, चलो चलो।